गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के जो नेक्स्ट स्पीकर हैं श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी, वो ज्वाइन कर चुके हैं। श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं विज्ञान भारती दिल्ली। आपकी पढ़ाई बीएससी टेक मुंबई विश्वविद्यालय से हुई। पिछले 30 वर्षों से आप अपने जीवन का पूरा समय देकर लगातार समाज के बीच में अपनी देश की परंपरा एवं संस्कृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इस सेशन की शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर। नितेश जी, और यहाँ पर नमस्कार सर। आपके नितेश जी के सारे सहयोगी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की योजना बनाई है, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सारे बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं आप सभी के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि विज्ञान भारती का कुछ संक्षिप्त परिचय यहां कराने का अवसर आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए ऐसे अपने देश के लोग हैं, और मैं जिस विज्ञान आंदोलन का कार्यकर्ता हूं, वो अपने देश का स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है। सामान्यतः विज्ञान आंदोलन यानी विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, विज्ञान के बारे में समाज के अंदर रुचि जागृत करना, समाज के सभी के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टि निर्माण हो, इसके लिए प्रयास करना, इस प्रकार के काम किसी भी विज्ञान आंदोलन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन विज्ञान भारती की विशेषता स्वदेशी शब्द के कारण है। ये अपने देश का स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है। स्वदेशी में स्व शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको अपने देश के हित में समझना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अपने देश में अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन चला, उसका अगर अंग्रेजी में वर्णन होता है, तब हमें जो शब्द ध्यान में कैसे आता है अलग वो है मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल। हिंदी में उसका अलग है, छोटा बड़ा बड़ा आजादी की लड़ाई ऐसा सामान्यता लोग, लेकिन ये वास्तविकता है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अपनी भाषा में अगर उसका ठीक वर्णन होता है, वो है स्वतंत्रता का आंदोलन। इसमें स्व ये शब्द महत्वपूर्ण है। अपने देश में केवल अंग्रेजी आक्रमणकर्ता थे ऐसा नहीं, तो अंग्रेजों के पूर्व भी अनेक आक्रमण अपने देश पर होते रहे, और आक्रमणकारियों ने एक विशेष बात या प्रयास प्रयत्न अपने देश में किया, वो यानी हम सभी की जो पहचान है उसको मिटाने का पूर्ण प्रयास उनके द्वारा हुआ, और उन आक्रमणकारियों ने सबसे अंत में अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास बहुत अधिक मात्रा में हुआ। उन्होंने भारत में हम सबकी मिलकर जो अस्मिता यानी परिचय पहचान है उसको मिटाने का प्रयास किया, और उसके लिए उनके पास जो सर्वोत्कृष्ट साधन था वो यानी उनका विज्ञान ओरिएंटेशन का विकास। उन्होंने अपने देश में उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकी लाई। पश्चिमी जगत में गत लगभग 4 शतकों में विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विकास चल रहा था, उसका परिचय अपने देश को अंग्रेजों के द्वारा हुआ। सामान्य रूप से अगर इसका प्रारंभ कहना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीत ली, वो भी छल कपट के द्वारा जीत ली, पराक्रम के कारण नहीं जीती। लेकिन 1767 में उन्होंने
आज अपने देश के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक सर्वे ऑफ इंडिया नाम का विभाग कार्यरत है। यानी मूल रूप से अपने देश का सर्वेक्षण करने के लिए उन्होंने संस्था का निर्माण अपने देश में किया। जैसे मैंने बताया कि वो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का केंद्र शासन के एक अंग है आज। तो एक प्रकार से लोग ऐसे मानते हैं अपने देश में कि वो पहली एक विज्ञान की संस्था अपने देश में आई, लेकिन उसका मूल उद्देश्य था कि अपने देश के दो बातों का सर्वेक्षण करना। एक तो भारत के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग 1760 में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति, प्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसका सब प्रकार की पुष्टि करने के लिए उपयोग कैसे हो। इसलिए भारत से प्राकृतिक संसाधनों को इंग्लैंड ले जाना, ये एक सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य था। और दूसरा, उनको सेना के द्वारा आज जो अपना सारा भारत देश है